सर प्रधानमंत्री मोदी भी 5 बजे बात करने वाले हैं और बाजार में स्पेकुलेशन तो चल रही है क्या बात होगी, कोई व्यू सर? जोक्स भी चल रहे हैं कि शायद आईटीसी के डीमर्जर को प्रधानमंत्री ही अनाउंस कर सकते हैं, बट कोई व्यू सर? मेरे ख्याल से दीप जो कुछ भी आ सकता है, कोई अनलॉक से रिलेटेड क्या कुछ हो सकता है, प्रधानमंत्री जी शाम को जब बात करेंगे ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल काम है कि क्या होगा। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से जो हो सकता है, अगर वो कोरोना पर बात करने जा रहे हैं तो यही बात करेंगे कि भाई ठीक है, सेकेंड वेव हम काबू में ले चुके हैं, लेकिन आप सावधानी बनाए रखें, अपना एहतियात रखें। तो मुझे लगता है उसके आसपास ही कुछ न कुछ होना चाहिए, वही चीज होगी। इसके अलावा तो और क्या कुछ हो सकता है? जहां तक बाजार की उम्मीदों का सवाल है, उम्मीद आप पैकेज वगैरह की लगा दें, लेकिन फ्रेंकली मैं बताऊं दीपा, इस बार ये फेयर होगा कहना कि पैकेज को लेकर, राहत को लेकर रोना धोना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अभी भी ट्रैक पर नहीं आए और जो सीधे सीधे कोरोना की वजह से बंद से पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बेहतर कर रहे हैं या जो उतने खराब नहीं कर रहे जितना पहले वाले लॉकडाउन में कर रहे थे। तो इस बार बिजनेसमैन थोड़े तकलीफ में कम है, या तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं या बैलेंस शीट थोड़ी ठीक हो गई, कई सेक्टर्स में तेजी आई उसका फायदा मिला है, काफी लोग पिछले साल बेच नहीं पाए और उनके पास स्टॉक पड़ा रह गया, उस स्टॉक की वैल्यू बन गई। कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, तो इस बार थोड़ा सा वो तकलीफ वाला माहौल कम है, खत्म तो नहीं है, बिल्कुल नहीं हो वो कहना भी गलत होगा। मैं बिजनेसेस के एंगल से बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे तो इस बार जो तकलीफ हुई है पिछली बार से ज्यादा हुई, क्योंकि काफी लोगों ने अपने नजदीकियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को खोया है, तो वो तो एक अलग चीज है, उसकी तो कभी भरपाई हो भी नहीं सकती पैसे से। लेकिन बाकी बिजनेस के हिसाब से इस बार आप देखिए कहाँ ज्यादा मांग आ रही है कि हमें मॉरेटोरियम चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीजें कम हो गई है बेसिकली। सो ओवरऑल इस लिहाज से मुझे इस बात की संभावना कम लगती है, नहीं के बराबर लगती है कि प्रधानमंत्री किसी तरह के राहत पैकेज का ऐलान करेंगे, वो इस समय नजर नहीं आता। मेरा ये समझना है कि किस तरह से देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो कोरोना पर ही बोलने जा रहे हैं तो किस तरह से देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और अनलॉक के दौरान किस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी है, किस तरह की सावधानी रखनी है, इस पर शायद हम प्रधानमंत्री जी को आज सुनेंगे। जी ओके, तो यही बात है कि अनलॉक से जुड़ा, इकोनॉमी से जुड़कर कुछ प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, बट हमारी नजर रहेगी, 5 बजे है प्रधानमंत्री का संबोधन, एंड ऑफकोर्स